दोस्तों आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है, रोमांचक होने वाला है, क्योंकि आज आईपीएल के दो मैच है। बता दें कि पहला मैच पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच है और दूसरा मैच सीएसके और केकेआर के बीच। पहले मैच दोपहर को होने वाला है। इस मैच के बारे में हम आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। मैच प्रेडिक्शन क्या होगा, पिच रिपोर्ट क्या होगी, प्लेइंग 11 क्या होगा और कब से मैच शुरू होगा। आईपीएल 2021 में आज दो मुकाबले खेले जाने हैं एमए चिदम्बरम स्टेडियम में। दोपहर 3:30 बजे से पहला मैच पंजाब और हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टीम इस समय अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर है। पंजाब की टीम 3 मैचों में 2 हार 1 जीत के साथ इस लिस्ट में 7वें स्थान पर है। वहीं हैदराबाद अपने शुरुआती 3 मुकाबले हार कर टूर्नामेंट में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। वो इस समय पॉइंट टेबल में सबसे आखिरी 8वें स्थान पर है। दोनों ही टीम इस मैच में अपनी हार का सिलसिला तोड़ना चाहेंगी। हैदराबाद के लिए मध्यक्रम की विफलता चिंता का सबक है। साथ ही टीम के कप्तान वार्नर भी इस साल अब तक बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर सके हैं। चेन्नई की धीमी पिच पर हैदराबाद की टीम को अब तक काफी संघर्ष करना पड़ा है। चोट के चलते बाहर चल रहे केन विलियमसन की कमी बल्लेबाजी में साफ देखी जा सकती है। यदि वो फिट होते हैं तो हैदराबाद हर हाल में उन्हें आज अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी। जॉनी बेस्टो तेज बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन हैदराबाद उनसे इस मैच में एक लंबी की उम्मीद कर रही है, लंबे खेल की। गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार अब तक अपनी लय नहीं बना सके हैं। वहीं यॉर्कर स्पेशलिस्ट टी नटराजन को अब तक टीम में मौका नहीं दिया गया है। इस मैच में उन्हें खिलाया जा सकता है। पंजाब भी पिछले 2 मैचों में हार के बाद इस मैच में वापस से जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी। टीम के कप्तान केएल राहुल शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और मयंक अग्रवाल का पिछले मैच में फॉर्म में आना राहत की खबर है। पंजाब के लिए भी उसका मध्यक्रम कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सका है। पंजाब को क्रिस गेल से लंबी पारी का इंतजार है, जो अब तक अपने उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। वहीं निकोलस पूरन का बल्ला भी इस सीजन में अब तक खामोश है। पंजाब किंग्स की गेंदबाजी अब तक सभी मैचों में काफी खराब रही है। ऐसे में हैदराबाद के खिलाफ कप्तान केएल राहुल गेंदबाजी विभाग में कुछ बदलाव कर सकते हैं। मोहम्मद शमी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। वहीं रिले मैरिडिस और जॉय रिचर्डसन भी अब तक अपनी ख्याति के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। आज इस मैच में रवि बिश्नोई को अंतिम 11 मैचों का मिल सकती है। वो पिछले सीजन में पंजाब के सबसे सफल गेंदबाज थे। ऐसे में अब तक उन्हें मौका न देना सभी के समझ से परे है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम की पिच काफी धीमी रहती है। स्पिनर्स के लिए अनुकूल रहने वाले इस पिच का बर्ताव इस साल बेहद ही अलग रहा है, खासकर कि दूसरी पारी में पिच बेहद धीमी हो रही है। पिच और हालात को देखते हुए टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी का फैसला कर सकती है। मैच प्रेडिक्शन मीटर की बात करें तो इस मैच में पंजाब का पलड़ा भारी है। हैदराबाद के स्पिन विभाग जरूर पंजाब के मुकाबले बेहतर है। यदि राशिद का दिन हुआ तो वो अकेले अपने दम पर हैदराबाद को जीत दिला सकते हैं। हालांकि बल्लेबाजी की बात करें तो पंजाब का पलड़ा भारी है। ऐसे में पंजाब इस मैच में अपनी हार के सिलसिले को तोड़ सकती है। हैदराबाद की संभावित प्लेइंग 11 ये हो सकते हैं: डेविड वार्नर, अभिषेक शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, जॉनी बेस्टो, केन विलियमसन, मनीष पांडे, राशिद खान, संदीप शर्मा, शाहबाज नदीम, टी नटराजन, अब्दुल समद। पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 ये हो सकते हैं: लोकेश राहुल, मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल, मनदीप सिंह, निकोलस पूरन, रवि बिश्नोई, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, जाय रिचर्डसन, शाहरुख खान और रिले मैरिडिस। तो दोस्तों आपको क्या लगता है आज के मैच में कौन जीतेगा, पंजाब किंग्स या फिर सनराइजर्स हैदराबाद? आप अपना प्रेडिक्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आईपीएल के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।